आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम बॉलीवुड कंट्रोवर्सी में, जहां पर हम आपसे बात करेंगे बार्बी डॉल कैटरीना कैफ के बारे में। वेल गाइस, बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ अपनी लाइफ में एक बेहद खूबसूरत से फेस को एंजॉय कर रही हैं। कैटरीना कैफ से वो कैटरीना कैफ कौशल हो गई हैं और विकी कौशल से शादी करने के बाद बार्बी डॉल के चर्चे हर जगह हो रहे हैं। इन्हीं चर्चों के बीच में कैटरीना, आपको बता दें, जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही खूबसूरत उनकी स्ट्रगलिंग स्टोरी रही है। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, सड़कों पर सोई हैं या खाना नहीं खाया या बार बार ऑडिशन देने गई हैं, नहीं। लेकिन जो न्यू कमर हैं, जिन्हें समझ नहीं आता वेयर टू स्टार्ट, उन्हें डेफिनेटली कैटरीना की कहानी सुनकर थोड़ी सीख लेनी चाहिए। आपको बता दें, कैटरीना कैफ के लिए फिल्मी दुनिया में आना, बॉलीवुड की दुनिया में आना इतना आसान कभी नहीं रहा। उनके एक्सेंट की कहानी आप सब जानते हैं। भले ही उन्हें हिंदी बोलने में परेशानी होती रही, लेकिन उनकी खूबसूरती ऐसी थी कि लोग जो हैं प्रोड्यूसर्स, उन्हें फिल्म में कास्ट करने से कतराते नहीं थे। बार्बी डॉल की जिंदगी से कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज जुड़ी हैं, जैसे उनकी बी ग्रेड फिल्में और सलमान खान के साथ उनका फोन मैसेज के जरिए ब्रेकअप कर देना। इन्हीं कंट्रोवर्सीज से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट है जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, सुनिए जरा। बॉलीवुड डीवा कैटरीना कैफ जब फिल्म इंडस्ट्री में आई थी, किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा मुकाम हासिल करेंगी। कैटरीना आज बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेसेस के बीच उनकी गिनती की जाती है। सक्सेसफुल करियर को जी रही कैटरीना कैफ की निजी जिंदगी का बड़ा चैप्टर अब शुरू हो चुका है। विकी कौशल के साथ उन्होंने शादी कर ली है। शादी करने के बाद कैटरीना अपनी लाइफ के एक बेहद खूबसूरत से फेस को एंजॉय कर रही हैं। 9 दिसंबर को विकी कौशल की वो दुल्हनिया बनी और बार्बी डॉल के लाखों दीवाने हैं जिन्होंने कैटरीना को उनकी शादी की बधाइयां भी दी। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको उनके कुछ हिडन सीक्रेट्स और कुछ सीक्रेट कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में बताएंगे जो आज से पहले अब शायद ही जानते हों। कैटरीना कैफ की फिल्मी पारी किसी भी नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाले कलाकार के लिए एक मिसाल है। वो तमाम एक्टर्स या तो वो तमाम फ्रेशर्स जिनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें कैटरीना से इंस्पायर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक अनजाना चेहरा जो आज लाखों दिलों की धड़कन है, इंडस्ट्री में बार्बी डॉल के लिए इतना बड़ा मुकाम हासिल करना आसान नहीं रहा। कैटरीना ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की। 14 साल की उम्र में हवाई में ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता। उनका पहला मॉडलिंग असाइनमेंट ज्वेलरी कैंपेन के लिए था। मॉडलिंग में अपनी धाक जमाने के बाद कैटरीना ने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा। हिंदी एरोटिक फिल्म बूम में काम करके उन्होंने सुर्खियां बटोरी। आपको बता दें, बूम एक बी ग्रेड फिल्म थी जिसमें जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर भी शामिल थे। इस फिल्म में कैटरीना ने बोल्डनेस फ्लॉन्ट की थी, गुलशन ग्रोवर के साथ हॉट सीन दिए। इस मूवी में कैटरीना कैफ को काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया गया और इसके बाद फिल्मों के कई ऑफर उन्हें मिलने लगे। आज की तारीख में बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि कैटरीना ने तेलुगु मलयाली फिल्मों में काम किया। उनकी दूसरी फिल्म मल्लीश्वरी थी। कैटरीना की एक्टिंग पर चाहे कितने भी सवाल क्यों ना उठे हों, उनके एक्सेंट को लेकर लोगों ने कितनी भी तरह की बातें क्यों ना कही हों, लेकिन एक सच ये भी है कि उनकी खूबसूरती को देखकर उन्हें कास्ट करने से मेकर्स यकीनन चूकते नहीं हैं। कैटरीना कैफ के सक्सेसफुल हिंदी करियर के पीछे सलमान खान का बहुत बड़ा हाथ है। कैटरीना सलमान को अपना गॉडफादर भी बुलाती रही हैं। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि सलमान खान की बदौलत उन्हें अच्छी फिल्में मिली। सलमान खान के साथ उनकी ऑन स्क्रीन पेयरिंग काफ़ी पसंद की जाती है। कैटरीना सलमान एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। इन दोनों की शादी को लेकर भी खबरों के बाजार में काफ़ी खबरें आईं। इनकी डेटिंग से लेकर शादी की खबरें आने तक और वहाँ से लेकर ब्रेकअप तक, ये तमाम किस्से किसी से छिपे नहीं हैं। मैंने प्यार क्यों किया, पार्टनर एक था टाइगर, टाइगर
भारत युवराज टाइगर जिंदा है ये वो फिल्में हैं जिसमें कैटरीना और सलमान ने एक साथ काम किया है। कैटरीना की झोली में कई हिट मूवीज रहीं, नमस्ते लंदन, वेलकम, रेस, सिंग इज किंग, पार्टनर, अपने, न्यूयॉर्क, अग्निपथ, एक था टाइगर, सूर्यवंशी जैसी मूवीज हैं जो कैटरीना कैफ की झोली में आई और यकीनन वक्त के साथ उन्होंने अपनी एक्टिंग में हमेशा सुधार किया है। अब हम आपको कैटरीना कैफ और सलमान खान के ब्रेकअप की कहानी सुनाएंगे जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि लोग कहते हैं कि कैटरीना ने सलमान खान से एक फ़ोन कॉल पर ब्रेकअप कर लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान ने कैटरीना को फिल्मों से ब्रेक दिलवाया। दोनों के बीच अफेयर की चर्चा लंबे समय तक रही। पार्टी और कई जगहों पर दोनों साथ साथ नजर आते, लेकिन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जब कैटरीना रणवीर कपूर के साथ थी तब उन्होंने अचानक फ़ोन करके सलमान खान से ब्रेकअप कर लिया। बताया जाता है कि कैटरीना ने दबंग खान को कॉल तक नहीं किया बल्कि उन्हें सिर्फ एक मैसेज किया और मैसेज के जरिए कह दिया कि वो इस रिश्ते को आगे नहीं ले जाना चाहती। सलमान खान को इस ब्रेकअप से बड़ा झटका लगा, अपने आप को संभालने में उन्हें समय लगा। ब्रेकअप के तुरंत बाद एक फंक्शन में सलमान कैटरीना का आमना सामना हुआ जिसे लेकर कैटरीना काफ़ी डरी हुई थी। सलमान ने उस प्रोग्राम के दौरान सबके सामने कैटरीना को कैटरीना कपूर कह दिया और ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया। सलमान खान से ब्रेकअप के बाद रणवीर कपूर के साथ कैटरीना का अफेयर रहा, लेकिन 6 महीने के भीतर ही इन दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। लंबे इंतज़ार के बाद कैटरीना को विकी कौशल मिले, लेकिन विकी कौशल के साथ सलमान खान की जिंदगी भर वाली दोस्ती मिली है। जी हाँ, कैटरीना सलमान का ब्रेकअप हो गया। कुछ समय तक ये दोनों एक दूसरे के साथ देखे भी नहीं गए, लेकिन सलमान खान का दिल है काफ़ी ज़्यादा बड़ा। उन्होंने दोबारा से कैटरीना का अपनी ज़िंदगी में दोस्त के तौर पर स्वागत किया और सलमान खान का ये बड़ा दिल आज भी लोगों को उनका दीवाना कर जाता है। सो गाइस, देखा आपने, कुछ ऐसी रही है बार्बी डॉल की कहानी, जहां पर बी ग्रेड फिल्मों में उन्होंने काम किया, हॉट सीन दिए। बहुत ज्यादा फिल्म बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन कैटरीना का कैरेक्टर इतना शानदार था, उन्होंने जिस तरीके से अपने कैरेक्टर को निभाया उसके बाद हर किसी ने उन्हें नोटिस किया। नोटिस करने के बाद फिल्मी दुनिया में उनकी एंट्री, सलमान खान का सहारा, लव ब्रेकअप और इन सब के बाद अब फाइनली वो अपनी लाइफ में सेटल हो चुकी हैं, शादी कर चुकी हैं, और दिल चाहे भी तो क्या। आज के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप आवर शो। वी विल मीट यू गाइस सून विद सम मोर एक्साइटिंग अपडेट्स, बट टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ एंड स्टे अपडेटेड।